शहर के शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में घायल प्रेमिका ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुलंदशहर SSP ने बताया कि डिबाई क्षेत्र के रहने वाले एक युवक अपने ही पारिवारिक रिश्ते में भतीजी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी मृतिका का चचेरा चाचा लगता है। बीते दिनों 14 फरवरी को चचेरा चाचा और विवाहित मृतिका भतीजी घर से प्रेम संबंधों के चलते फरार हो गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों ने बैठकर दोनों को समझाया बुझाया और मृतिका भतीजी वापस लौटकर अपने बच्चों के पास अपनी ससुराल आ गई थी। जब से मृतिका अपने प्रेमी आरोपी चचेरे चाचा को छोड़कर वापस ससुराल चली गई थी, तभी से आरोपी मृतिका पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर बदला लेने की बात कहता रहा था। बीते कल अचानक आरोपी मृतिका के ससुराल शिकारपुर क्षेत्र के गांव हीरापुर पहुंच गया और मृतक को जोर जोर से बुलाने लगा। जब ससुराल जनों ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि उसे प्यार में धोखा मिला है, जिसका वे बदला लेकर रहेगा, और इतना कहने के बाद उसने मृतिका भतीजी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोहब्बत में बेवफाई मिलने के बाद आरोपी इस कदर आक्रोश में था कि उसने मृतिका पर एक नहीं कई बार चाकू से हमला किया। मृतिका को गंभीर हालत में बुलंदशहर से देर रात ही हायर सेंटर दिल्ली भेज दिया गया था। दिल्ली में बीती रात ही मृतिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये प्रकरण थाना शिकारपुर के हमीरपुर गांव का है, जहां एक लगभग 26 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी और जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र लगभग 5 वर्ष और दूसरे की 3 वर्ष है, उसकी चाकू मार करके हत्या उसके चचेरे चाचा विनीत के द्वारा की गई है, जो खैरपुर गांव डिबाई का रहने वाला है। प्रकरण इस तरह का है कि चचेरा चाचा और भतीजी के बीच में अवैध संबंध काफ़ी दिनों से थे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ये महिला अपने चचेरे चाचा के साथ घर छोड़ के चली गई थी अपनी ससुराल से, और नोएडा में जाकर के एक दूसरी चचेरी बहन है उसके सौजन्य से वहीं कमरा लेके दोनों रहने लगे थे। जब ये बात घर वालों को पता चला तो दोनों पक्ष के लोग, उस जो चचेरी बहन नोएडा में रहती है, उसके ऊपर दबाव बनाया। तो 7 तारीख को उस चचेरी बहन ने परी चौक के पास अपने परिवारी जनों को बुलाकर, मतलब इसमें लड़की के मायके के लोग थे, लड़के और लड़की को सुपुर्द कर दिया। 7 तारीख को ही शिकारपुर में दोनों पक्ष के लोग साई मंदिर पर बैठे, इनके बीच में आपस में सहमति बनी, लड़का अपने घर भेज दिया गया और लड़की मायके चली गई। तारीख को दोनों पक्षों के बीच में शिकारपुर साई मंदिर पे आपस में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में तय हुआ कि लड़का लड़की के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, जिस बात पर लड़की के ससुराली जन तैयार हो गए और उस महिला को अपने साथ उसके ससुराल ले गए। लड़का अपनी बहन के यहाँ मेरठ भेज दिया गया। कल शाम के समय दोबारा फिर वो लड़का चाकू लेकर के अपनी उस चचेरी भतीजी के घर पे आए। वहाँ पर उसके परिवारिक जन थे, उन्हें देखने के बाद जब लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया तो उसने प्रतिशोध में, उसका कहना है कि लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है, और इसी प्रतिशोध की पूर्ति के लिए उसने लड़की पे चाकू से कई वार किए, जिसके बाद इलाज के दौरान लड़की की रात में मृत्यु हो गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके कब्जे से आला कत्ल चाकू जो था बरामद कर लिया गया है। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर